देर शाम सेना के हेलीकॉप्टर ग्री जनपद देवरिया के पुलिस लाइन में पहुंचा तो इसकी अगुवाई प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं जिला अधिकारी सहित जिले के आला अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। शहीद प्रेम सागर का पार्थिव शरीर देख लोगों की आंखों में आंसू तो दूसरी ओर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश भी था और चारों ओर पाकिस्तान मुर्दाबाद, प्रेम सागर भैया अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। वहीं प्रदेश कैबिनेट मंत्री ने शहीद की परिजनों को ढांढस बढ़ाया और प्रदेश सरकार की ओर से 20 लाख रुपए की सहायता राशि के रूप में चेक दिया तथा 6 लाख की सहायता बाद में देने को कहा और परिवार वालों को हर प्रकार की सहायता देने की बात की। वहीं शहीद जवान की गर्द आनर के बाद परिवार वालों ने मुख्यमंत्री के आने तक अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। परिजनों की मांग थी कि सिर के बदले सिर चाहिए और मौके पर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी को बुलाने की मांग को लेकर अड़ गए। हालांकि कैबिनेट मंत्री के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने परिजनों से टेलीफोनिक वार्तालाप की, जिसके बाद परिजन शहीद का अंतिम संस्कार करने के लिए मान गए। पेश है हमारे देवरिया के संवाददाता इसराफिल मंसूरी की खास रिपोर्ट। जी बताइए, आपकी क्या मांगे हैं, आप क्यों नहीं यहाँ से शव उठने दे रहे हैं? जी हमारी यही मांगे हैं कि या तो आदित्यनाथ, हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी आए या तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए, मुझे उनसे कुछ सवाल करने हैं, उसके बाद ही ये लाश हटेगी। ये बताइए पूरे आकर के, बस मैं अपने पिताजी का सम्मान मांग रहा हूँ। ऊपर से मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, सुनहरे भविष्य की नहीं चिंता कर रहे हो, लाश जाने दो वरना तुमको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, बस मुझे ये आए कि बस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और हमारे पिताजी को सम्मानित करें और मैं जो उनसे सवाल करूं उसका जवाब दें और फिर मैं हम लोग खुशी खुशी अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं। किसके द्वारा आपको धमकाया और डराया जा रहा है? प्रशासन के द्वारा, प्रशासन खुद कह रही है कि तुम अपने सुनहरे भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हो। 3 स्टार था उनका, ये तो नाम नहीं पड़े। अच्छा अच्छा, ये बताइए ये कि 100 जो है सुनने में आ रहा है कि लेट पहुंचाए, इस पे क्या कहना है? सर उनका वो प्लानिंग था कि लेट पहुंचाएंगे, ले जाकर के रात में धीरे से ले जाकर के, कोई होगा नहीं वहाँ, ले जाकर के हम लोग प्रशासन से डरा करके, धमका करके, दबाव डलवा करके ले जाकर दफना देंगे। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये मांगे जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है वो पूरा नहीं होगा? मतलब और आप लोग के माध्यम से, आप लोग के सामने कबूल करें, उसका कैसेट मुझे मिल जाए बस। अभी कुछ देर पहले आपके द्वारा शेड्यूल पर जैसे वो भेदभाव करने का आरोप लगाया जा रहा था। मान लीजिए कि सर ये बताइए, कानपुर हो जा सकते हैं सम्मान देने के लिए, यहाँ वो अपने घर में सलेमपुरा करके सम्मान पूर्वांचल लेके हमारे उनके घर में, उनके जवान गया है, उनके घर का जवान गया है, तो यहाँ नहीं आकर के सम्मानित कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ईश्वर चंद जी है। कौन है आप? जी मैं इनका लड़का हूँ, बड़ा बेटा हूँ। जी बताइए क्या मांगे हैं आपकी, क्यों नहीं आप शॉर्ट? ये बताइए, हमारे पापा के साथ ही जो शहीद हुए जवान, वहाँ के जाकर के वो मुख्यमंत्री वहाँ के सम्मानित किए, सब कुछ किए, पीएम भी गए और यहाँ कोई नहीं आ सकता, ना पीएम आए ना सीएम आए, कोई नहीं आ सकता मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। बस उनसे यही मांगे हैं कि वो मेरे यहाँ आए और मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि दें और मैं सीएम से ही अपना मांग और उन्हीं से मैं अपना मांग रखूंगा। मुझे क्या मांगे है? उनके प्रतिनिधि आपके दरवाजे तक चलकर आए थे। जी जी, अगर वो उनके प्रतिनिधि हैं तो उनका वो दायित्व है कि हम जो भी बोल रहे हैं वो हमारे मोदी जी बोल रहे हैं और उसका लिखित प्रमाण दे रहे हैं। मैं उनका मानने के लिए तैयार हूँ कि वो जो भी बोलेंगे वो मोदी जी बोलेंगे, उनके मुंह से जो भी निकलेगा वो मोदी बोल रहे हैं। अगर इस बात का लिखित प्रमाण दे करके और जो भी बोल रहे हैं वो उसका लिखित मुझे प्रमाण दे दें, मैं एकदम मानने के लिए तैयार हूँ। मैं सवाल उनसे करने के लिए तैयार हूँ कि वो उनका दायित्व लेकर के, हाँ वो मैं जो बोलूंगा ये मान लीजिए कि मोदी जी बोल रहे हैं,
उसका लिखित प्रमाण चाहिए मुझे, या तो खुद ही दोनों लोग में से कोई आए और मुझे। सौ जो लेट आया उस पर आपका क्या कहना और किस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है? उनकी प्लानिंग थी कि सर 100 लाख रात में ले चला जाएगा और दरा धमका करके 100 धमका दिया जाएगा। मुझे कुछ नहीं बताया गया था, मुझे अभी तक कोई सपना नहीं दिया गया कि आपके पिताजी का कैसे डेथ हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं, ना डिपार्टमेंट की तरफ से ना किसी की तरफ से मुझे कुछ नहीं बताया। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये प्रेम सागर जी जो आज देश के लिए शहीद हुए, उनके बेटे की अगर इच्छा है, जैसा कि ये भी लड़का देश दुनिया देख रहा है, पंजाब में पीएम जी गए, पंजाब के मुख्यमंत्री गए, जो इन्हीं के साथ जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान में, आखिर शहीदों में किसी प्रकार का हीन मानसिकता, भेदभाव की मानसिकता उनके दिमाग में कैसे आ गई? उनको तो स्वयं प्रधानमंत्री जी को स्वयं भी यहाँ भी आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ आना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर काम कौन सा है? आप प्रतिनिधि हैं प्रदेश के, कौन सा काम है इससे महत्वपूर्ण, कौन सा काम है जो देश, जो लाल जो है अपना अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया सीमा पर देश के सुरक्षा के लिए, उस बेटा के सम्मान में, उस शहीद के सम्मान में, उस व्यक्ति को, उस महान विभूति को यहाँ चल के आना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उनके पास गाय को चारा खिलाने के लिए टाइम है? और एक देश का लाल आज जो है श्रद्धांजलि देने के लिए, जहाँ उसकी उनकी बेवा है, जहाँ उनके बेटे हैं, जहाँ उनके दुधमुहे बच्चे हैं, उस बच्चों के सम्मान के लिए, उस बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, इस इलाका के नौजवान के लिए जो सेना में देश की सेवा करने के लिए जज्बा अपने दिल में पाल कर रखा है, कम से कम उनको प्रेरित करने के लिए यहाँ आना चाहिए। नहीं तो यही नौजवान इस बात को जानेंगे कि ये भाई सेना का सिपाही शहीद होता है उसका कोई कदर नहीं होता, इसलिए उनके अंदर से वो जज्बा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर ये लड़के की मांग है, अगर इस शहीद के बेटे के पूरे परिवार के, इस इलाके का अगर यह डिमांड है, तो आदरणीय मोदी जी को भी और आदरणीय योगी जी को भी सुनना चाहिए और अविलंब सारा काम छोड़ करके और यहाँ टीकम पार की धरती लाल के यहाँ आना चाहिए, इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए।